पूरे प्रदेश भर में नर्स एसोसिएशन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके चलते अस्पताल के साथ टीकाकरण अभियान भी प्रभावित हो रहा है। मैहर में भी नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मैहर में नर्सों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अभी तक नर्स एक दिन के सामुदायिक अवकाश पर थी और मरीजों की सेवा में लगी हुई थी, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई और जिसके चलते आज से नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, नर्स एसोसिएशन सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। हम लोगों की जो सरकार से अपनी मांगे हैं वो हैं, हम लोगों की 12 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से एक तो जो न्यू भर्ती कर रहे हैं उनका जो 70% 80% दे रहे हैं वो उनको 100% चाहिए उनका, और जो वेतनमान है, पेंशन जो है, पेंशन पूरे एक, मतलब जो इनको पेंशन नहीं मिल रहे हैं उनको पेंशन लागू करें। कई बार अपनी मांगों को शासन और प्रशासन ज्ञापन के द्वारा अपनी मांगों को बताया है, किंतु उन्होंने मतलब कोई विचार नहीं किया, इसलिए हमने सामूहिक अवकाश 28 तारीख को सामूहिक अवकाश के द्वारा उनको सूचित किया, किंतु उसका कोई निराकरण नहीं निकला, जिससे हमें आज 30 कौन सी कालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।